फोर्थ लेसन है सदैव कुरुतो निधेहि चरणम। इसका क्या मतलब होता है कि सर गुड मॉर्निंग, बोलो सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, सदैव आगे बढ़ते रहो। लेखक क्या कह रहा है, पाठ का नाम क्या स्पष्ट कर रहा है कि भाई सदैव आगे बढ़ते रहो। निधेहि मीन्स होता है बढ़ते रहो, आगे रखो। चरण मीन्स कदम, पूर्णता मीन्स आगे, सदैव मीन्स हमेशा। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमेशा अपने चरणों को आगे बढ़ाते रहो, अपने पैरों को आगे रखते रहो। श्रीधर भास्कर पढ़नेकर द्वारा विचरित, विचरित मीन्स क्या होता है, रचित। पाठ का लेखक का नाम क्या है, श्रीधर भास्कर पढ़नेकर। पाठ का लेखक क्या है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। पाठ के अंदर क्या बताया है कि हमेशा अपने जो सामने चुनौतियां आती है, परेशानियां, उनको दूर करना है, उनको दूर करते हुए हमेशा आगे बढ़ो। अपनी जो परेशानियां आ रही है उनको दूर करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। इससे क्या होगा, अपनी परेशानियां दूर होगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो अपना लक्ष्य है आगे बढ़ने का, उसे हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब लेसन शुरू करते हैं। चल चल कुरुतो निधेहि चरणम। देखा क्या कह रहा है कि चल चल कुरुतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। जो अपने कदम है, पैर है, चरण, उन्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहो। सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहो, हमेशा अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे ननु निज केतनम, निज केतनम। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे मीन्स क्या होता है, पर्वत, पर्वत की चोटी। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की चोटी, उनके ऊपर जो पर्वतारोही होते हैं, हिमालय पे उनके चढ़ते पर्वतारोही, उनके बारे में पाठ बताया गया है। ये कह रहा है शिखरे ननु निज निकेतनम, गुरु शिखर है, उसकी जो चोटी है ऊंची, उसे अपना घर समझो। ननु मीन्स अवश्य, निज मीन्स अपना, निकेतनम मीन्स घर, उसे अपना घर समझो। किसको, गुरु शिखर की चोटी को अपना घर समझो। विनेन यानम नगारोहणम, वहां पर जाने का कोई भी साधन नहीं है। विनेन मीन्स बिना, ज्ञान मीन्स साधन, ज्ञान। नगारोहणम माने पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ने का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। इस प्रकार चढ़ना है उसे अपने पैरों के द्वारा। आगे लिखा हुआ है बलम स्वकीय भक्ति साधनम, अपने बल, स्वकीय मीन्स स्वयं का अपना, बल मीन्स शक्ति ताकत, साधनम मीन्स साधन है, उस पर चढ़ने का साधन ही क्या है, अपना बल, अपनी शक्ति, उसी के द्वारा अपन कहां पर चढ़ सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, उसके द्वारा अपन पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंच सकते हैं। सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कदम बढ़ाते रहो। पहला पैराग्राफ समझ आ गया, आगे देखो क्या खरगोश वाला। पति पाषाणा भीष्मा परकरा, पति मीन्स क्या होता है, रास्ते में, रास्ते में। देखो मीनिंग लिखा हुआ है, पति, पति मीन्स रास्ता या मार्ग। पाषाणा, पाषाणा मीन्स होता है पत्थर। भीष्मा, भीष्मा मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे स्थल। प्रकरा, प्रकरा मीन्स होता है तेज या नुकीले। पाषाणा मीन्स पत्थर। पति पाषाणा भीष्मा प्रकरा, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर,
टेढ़े मेढ़े रास्ते और तेज नुकीले कांटे झाड़ियां तुम्हें मिलेंगी। रास्ते में तुम्हें क्या मिलेगा? पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े ऊंचे नीचे टेढ़े तिरछे रास्ते हैं और पर पहले नुकीले कांटे पत्थर तुम्हें मिलेंगे। हिंसा पसंद परी तो घोरा, हिंसा हिंसक जानवर, हिंसक पशुमिश पशु, परितोमिश चारों ओर, घोरामिश तुम्हें घेर लेंगे भयंकर वाली। तुम्हारे चारों तरफ भयंकर हिंसक जानवर तुम्हें घेर लेंगे। तुम्हें इतने जानवर मिलेंगे, हिंसक आदमखोर जानवर तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्पि गगनम घोर, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, सुदुष्कर्म से क्या होता है? अत्यधिक कठिन। खलु मीन्स होता है निश्चय, यद्पि मीन्स होता है यह, और गगनम मीन्स गगन, तुम्हें रास्ते में बहुत ही दुष्कर भयंकर परेशानियां मिलेगी। तुम्हारे रास्ते में बहुत ही निश्चित अत्यधिक कठिनाइयां मिलेगी, लेकिन तुम उससे घबराना नहीं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हुए अपने कदमों को अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त तुम्हें करना है। थर्ड वाला देखो, जही ही भीति भज भज सक्तिनम, जही भी मीन्स त्याग दो, छोड़ दो या छोड़ो, भीति मीन्स डर भय, भज भज मीन्स जपो जपो, शक्ति मीन्स शक्ति को, जही भी भीति भज भज सक्तिनम, अपने डर को अपने भय को त्याग दो और शक्ति को जपो। शक्ति को जब अपने शक्ति अपने शरीर की उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में सोचो, अपने डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति के बारे में तुम विचार करो कि मैं ये कर सकता हूं। विदेही रास्ते तथा अनुरिक्तम, विदेही रास्ते रास्ते तथा अनुरिक्तम, विदेही मीन्स करो, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र का, अनुरिक्तम मीन्स स्नेह या प्रेम। तुम अपने राष्ट्र से अपने देश से क्या करो? प्रेम करो, अपने राष्ट्र से अपने देश के प्रति अपने मन में हृदय में प्यार रखो और उसकी ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कदमों को अपने चरणों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। गुरु गुरु सत्यत दे स्मरणम, गुरु गुरु सत्यत स्मरण दे स्मरण, आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में अपने उद्देश्य के बारे को याद रखो। अपने स्मरण मीन्स क्या होता है? याद रखना। उद्देश्य मीन्स देह, गुरु गुरु मीन्स होता है बार बार। आप अपने उद्देश्य को हमेशा गुरु मीन्स करो, याद रखो बार बार उसको, याद रखो कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं हिमालय पर्वत पे इस चोटी को मैं पार कर सकता हूँ। सदैव तो निधे ही चरण, और उसे हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। समझ आया? तीन पैराग्राफ है, तीन श्लोक। समझ आया? यस सर। डेविड, यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है सर। ये भी आज बनने पाठे दत्त गीत स्वर गायत है, पाठ में दिए गए गीत को स्वर गाना है, वो तुम गाय लोगे, यानी कि पढ़ना है पढ़ लोगे। देखो सेकंड वाला देखो,
स्वकीय साधनम किम भक्ति, अपना साधन क्या होता है, बल शक्ति ताकत, पति के विस्मा प्रकरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले क्या है, पाषाणा में पत्थर, सतत किम करणीय, निरंतर या हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, देह स्मरण, हमारे उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, इस गीत के जो इस पाठ को अपन ने पढ़ा उसके रचयिता लेखक कौन है, श्रीधर भास्कर बर्णेकर, श्रीधर भास्कर बर्णेकर के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। आगे है, सह की दृश्य कवि मान्यते, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, कैसे कवि माने जाते हैं, वो राष्ट्र कवि या राष्ट्रवादी कवि। आगे देखो थर्ड वाला, मंजूषात क्रिया पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यते, जो इस पेटी में शब्द लिखे गए हैं नीचे इनका चयन करके इनके खाली स्थान में भरना है। जैसे त्वं विद्यालयं, तुम विद्यालय चलो, तो इसमें क्या आएगा, चले। खरगोश वाला है, राष्ट्रे अनुरिक्तम क्या आएगा, विदेही, मयम जलम क्या आएगा, देही मुझे जल दो, मूड है धना गमन तृणामम क्या आएगा, जही ही, इधर क्या आएगा, गोविंदम, गोविंदम इज भज गोविंदम, गोविंद को भजो, उसके भगवान को भजो। सतत ध्येय स्मरणम, सतत ध्येय स्मरण, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसके बारे में, गुरु करो, अपने राष्ट्र के बारे में हमेशा स्मरण को करो, हमेशा राष्ट्र के बारे में ध्यान करो। आगे देखो फोर्थ वाला, उचित स्थानानाम समक्षम आम अनुचित स्थानानाम समक्षम न इति लिखते, सही शब्द के आगे आम लिखना है और गलत के आगे क्या लिखना है अपन को, न। आम मीन्स क्या होता है, हाँ, और न मीन्स क्या होता है, ना। जैसे एक लाइन लिखी इसने, पुरत चरणम निधेई, हमें अपने चरणों का क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो सत्य है, तो क्या लिखा इसने, आम है, हाँ। आगे लिखा इसने, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, हमें अपना घर अपना मकान किसे समझना चाहिए, गिरी शिखर को, सही है, आम आएगा। स्वकीय बल बाधकम भक्ति, अपना बल बाधक है क्या, नहीं, तो न आएगा। पति हिंसा पशुन संति, पति के रास्ते में या मार्ग में हिंसक पशु नहीं आएंगे, ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर न आया है, जबकि पति के रास्ते में हिंसक पशु आएंगे। गमन सुक्रमस्ति, रास्ता सुक्रम यानी अच्छा है, नहीं है रास्ता अच्छा नहीं है, न आएगा। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, सदैव आगे चलना चाहिए, आम है, हाँ। आगे है, वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत है, वाक्य को रचना के आधार पर अर्थ भेद करना है। परित है, परित का क्या होगा, परत, पुरत, परित विचारो, नग, नग का होगा नाग, यानी पर्वत, नगारोहणम आहारोहण, आरोहण में चढ़ना यानी कि अवरोहणम, विष्मा, विष्मा में खतरनाक, नुकीले, देखो अब इसका अपन क्या करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। पुरुत है, परीत है, परीत में होता है चारों ओर, ग्राम है पतीत है जलवस्ती, ग्राम के चारों ओर जल है। पुरत है, पुरत में क्या होगा, सामने, तो विद्यालय पुरत कूप अस्ति, कूप मीन्स होता है कुआ, विद्यालय के सामने कुआ है,
नगर, नगर मीन्स पर्वत, विद्यालय संसारस्य उच्चतम, सॉरी हिमालयन संसारस्य उच्चतम नगर अस्ति, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। नाग, नाग भी होता है सर्प, सांप ग्रह, एक नाग स्थिति घर में एक सांप बैठा हुआ है। आहरोहणम, आहरोहणम भी होता है चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति यानी पर्वत पर चढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत दुष्कर है, परेशानी भरा है। अवरोहणम, अवरोहणम भी होता है उतरना, वृक्षात अवरोहणम सुखकर अस्ति, वृक्ष से उतरना आसान है, सुखकर है, पेड़ से उतरने में कोई परेशानी नहीं होती, जबकि चढ़ने में परेशानी होती है। विषमा, मार्गे विषमा पाषाण संति, रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। समामिन सम, मार्गा समा संति, मार्ग समान है। आगे है पांचवा, मंजूषाते अभ्य पदानी चित्वा रिक्तिस्थानी पूर्यते, इस पेटी के द्वारा इस पेटी में जो शब्द हैं उनका अभ्य करके इन्हें भरना है, नीचे भरना है। देखो विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, इसमें क्या आएगा ये पुरत है, पुरत में चारों विद्यालय के चारों एक उद्यान है। सत्यम जयते एवं, इसमें क्या आएगा एवं, सदा सत्य की विजय होती है। कि भगवान स्नानम कृतवानम खलु, किस कारण आप स्नान कर रहे हो। से यथा चिंतयति आचरयति, से यथा चिंतयति तथा आचरयति, आप किस कारण से वह चिंतित है। ग्रामे वृक्षा संति, परित चारों ओर ग्राम के चारों ओर क्या है वृक्ष है, और इसमें पुरत मीन्स क्या है सामने, विद्यालयस्य पुरत एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। ये देखो ऊपर आया है पुरत मीन्स सामने, परित मीन्स चारों ओर। ओके, विद्या जीवनम तथा बिना, इसमें क्या है बिना, विद्या के बिना जीवन बेकार है, पशु के समान है। भगवंत भजनम, इसमें आया है सदा, हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा भगवान को क्या करो याद करो। विलोम पदानी योजयते, विलोम पदों का मिलान करो। तो देखो पुरत के आगे विरक्ति लिखा हुआ है, गलत है, पुरत में सामने होता है, सुए के में सपना होता है, भीति में डर होता है। अब इधर लिखा इसने, देखो यह आंसर इधर, पुरत में पुरत का क्या होगा प्रश्न है, सामने का पीछे, स्वकीय का परकीय, अपना का दूसरा, भीति डर का साहस, अनुरक्ति का विरक्ति, और गगनम का आगमन। गगनम का आगमन, गगनम मीन्स होता है जाना, और आगमन मीन्स होता है आना। ठीक है, सातवां वाला ये हो जाएगा। यस सर। ओके अमित, अमित सेन, अंकित सेनी, पीयूष, यस सर, स्नेहा हो जाएगा। यस सर। अगर आपको ये नहीं मिले तो जब अपना स्कूल का ऐप है उसके कंटेंट बॉक्स में जाना, उधर से क्लास सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, उसके बाद में अपन को ये पूरा लेसन उधर दिखाई देगा, जो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया योग्यता विस्तार तक, ये yes, सर उधर मिल जाएगा। वीडियो डाल रखी है ना, वीडियो वीडियो जो अपन को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये अपन में बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, जो स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा है Yes, sir. उधर दिखेगा, कंटेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो इससे आप होमवर्क आसानी से कर लोगे। Yes, sir. और जो पिछला लेसन था थर्ड वाला, उसका क्वेश्चन आंसर हो गया अपना।
नहीं हुआ अभी तक तो। क्यों सर आज कर लेंगे, कल सैटरडे को जब होमवर्क चेक करवाने आओगे तब क्या करोगे फिर? सर ऐसे ही